खाद को जब आप अपने पौधों में डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ एकदम मस्त हो जाएगी और आपकी जो मिट्टी है उससे दीमक भी चली जाएगी। मेरा नाम है हार्दिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने मिट्टी से दीमक कैसे भगाएं, और जो आपकी गार्डन है, अगर आपका फ्लावर गार्डन है और उसमें तितलियां नहीं आ रही तो ये खाद डालती है आपकी तितली वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस खाद में एक चीज डलती है जो कि है हींग, और हींग की जो मैकी मैकी खुशबू आती है, जो मंद मंद खुशबू है, उससे तितलियां बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। और जब आप इसे मिट्टी में डालेंगे तो इससे आपके गार्डन में जो फ्लावर गार्डन है उसमें बहुत सारी तितलियां मधुमक्खियां वगैरह वगैरह आएगी और आपके पौधे ग्रोथ भी होगी, प्लस आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर अगर दीमक या चींटियां या फंगस है तो वो सब चली जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं कि इस फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक चम्मच हींग ले लेनी है, आपको ज्यादा हींग की जरूरत नहीं है, एक चम्मच आपको पिसी हुई हींग ले लेनी है। अगर आपके पास साबुत हींग है, मतलब अगर वो टुकड़ों में है, तो आप उसको मसालादानी के अंदर डाल के आराम से कूट सकते हैं, बड़े आराम से। अब हमें इसके अंदर थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा जिससे हम इसे भिगो सके और उस पानी के अंदर जो हींग के कण बना है ये अच्छे से घुल जाए, जो इस हींग के अंदर पोषक तत्व है। तो आपको मेरी कटोरी की साइज की एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर एक चम्मच हींग और जितना मैं पानी मिलाऊं उतना ही आपको पानी मिला देना है, और इसे लगभग आपको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहे तो 12 घंटे भी रख सकते हैं, पर आपको मिनिमम 12 से 24 घंटे तो इसे रखना ही पड़ेगा, 10 घंटे में इसका काम नहीं होगा। और अब आप 24 घंटे बाद का रिजल्ट देख सकते हैं, जो हमारी हींग थी, जो पिसी हुई हींग थी, उसके सारे पोषक तत्व अब इस पानी में मिल चुके हैं। अब हम इस पानी को डायरेक्ट नहीं देंगे क्योंकि हमें इसे डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि डाइल्यूट करी खाद को हमारे पौधे अच्छे से ले पाते हैं। तो आप एक जार या कोई भी सामान, डिब्बा, बाल्टी ले लीजिए और फिर उसके अंदर 1 लीटर पानी ले लीजिए, और जो हमने जो फर्टिलाइजर बनाया उसकी 4 चम्मच आपको उस 1 लीटर पानी के अंदर मिला देनी है। आपको ज्यादा चम्मच नहीं मिलानी है, 1 लीटर पानी में 4 चम्मच काफी है, यानी अगर आप 2 लीटर बना रहे हैं तो उसके अंदर 8 चम्मच आपको मिला देनी है। फिर आपको इसके अंदर 2 चुटकी हल्दी मिला देनी है, क्योंकि हल्दी आपको 2 चुटकी इसलिए मिलानी क्योंकि जो वो है हमारी हींग है और जो हल्दी है वो थोड़ी काफी सिमिलर काम करती है, इसलिए आपको 2 चुटकी हल्दी मिलानी है। और अब आप इसे महीने में एक बार अपने किसी भी प्लांट को 100 से 150 ml दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना।